राज और अमित एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे। आइए देखते हैं दोनों अपने अपने तरीके से जिंदगी की चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। एक दिन दोनों दोस्त मूवी देखने गए। इत्तेफाक से यह मूवी गंभीर श्रेणी की थी। पिक्चर खत्म होने के बाद दोनों थिएटर से बाहर आते हैं। अब यहां से जिंदगी दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाने वाली है। राज अपनी ही मस्ती में अमित से कहता है, क्या बढ़िया पिक्चर थी, खैर चलो कहीं चलकर डिनर करते हैं। अमित अपने विचारों में डूबा हुआ है, लेकिन जवाब देता है, हाँ चलो। अगले दिन से राज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है और हंसी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर अमित उस पिक्चर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा और यह उसकी जिंदगी पर बुरा असर डाल रहा है। अपनी ही ओवरथिंकिंग की वजह से अमित रात को सो भी नहीं पाता। धीरे धीरे इसी बात का असर उसके सारे रिश्तों में दिखने लगता है। वह अपने फैमिली मेंबर्स व आसपास के सभी लोगों पर डाउट करने लगता है, बिल्कुल जैसा मूवी में दिखाया गया था। एक दिन राज और अमित कॉफी पीने जाते हैं। अमित सीरियस आवाज में कहता है, पता नहीं राज, उस मूवी ने मेरे दिमाग में घर कर लिया है। ना चाहते हुए भी मैं उस मूवी के सभी कैरेक्टर्स को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कंपेयर करने लगा हूँ। राज हंसते हुए कहता है, अमित वो बस एक मूवी थी, उसको अपने दिमाग के साथ खेलने मत दे। अमित सिर हिलाता है और कहता है, यार तू समझ नहीं रहा राज, बात ये नहीं है कि वो बस एक मूवी थी, बात ये है कि उसके बाद मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। राज पूछता है, तो तू ये कह रहा है कि उस मूवी का हम दोनों पर अलग अलग असर हुआ। अमित सिर हिलाता है और कहता है, एग्जैक्टली, मैंने इस मूवी को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया। अब मुझे अपने विचारों को ठीक करना ही पड़ेगा राज, पर कैसे। अमित अकेला बैठकर सोच रहा है, आखिर क्यों मैंने उस मूवी को इतना दिल से ले लिया। अमित के पापा ये देख रहे थे कि उनका बेटा कुछ दिनों से परेशान रहने लगा है। उन्होंने उससे बात की और पता लगाया कि उसके साथ क्या चल रहा है। अमित के पापा ने तुरंत उसे कामना और उपासना नाम की एक बुक दी। उन्हें याद था कि कैसे उनके बुरे वक्त में भी इसी बुक ने उनका मार्गदर्शन किया था। अमित सोचता है, क्या पता मेरी सारी प्रॉब्लम्स के जवाब इसी में मिल जाएं। वैसे तो अमित अपने आप को नास्तिक कहता था, लेकिन एक चांस लेकर उसने ये बुक पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अमित अंदर का संसार और बाहर का संसार वाले टॉपिक पर पहुंचता है, उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। अमित को रियलाइज होता है कि अच्छा, कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि मेरे ही अंदर के विचार मुझे परेशान कर रहे हैं। अगली बार जब अमित और राज मिलते हैं, तो अमित अपना नया नया ज्ञान राज के साथ भी बांटता है। अमित हंसते हुए कहता है, कामना और उपासना ने मेरे अंदर के संसार के बारे में ऐसे ऐसे राज बताए कि मैं क्या बताऊं। अब एटलीस्ट मैं बेहतर तरीके से लाइफ में आगे तो बढ़ सकता हूं। राज चौंक कर पूछता है, क्या क्या, कौन सी बुक? कामना और उपासना? अरे ये बुक तो मेरे पास भी है, इनफैक्ट ये मेरी फेवरेट बुक है। मैंने तुझे इस बुक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तू नास्तिक है तो कोई आध्यात्मिक बुक क्यों पढ़ेगा। खैर छोड़, इस बुक में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए और ऐसे अशांत माहौल में रहकर मन को शांति कैसे मिले। काफी देर तक बातचीत करने के बाद दोनों दोस्त हंसी खुशी अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। तो बात यह है
कि ये बुक बड़े सुंदर तरीके से ये समझाती है कि कैसे बाहर का संसार सबके लिए एक जैसा होता है। ये हमारे अंदर का संसार है जो यह निश्चय करता है कि हम किसी भी परिस्थिति के बारे में कैसा फील करेंगे। और यही कारण है कि क्यों दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हमारे आसपास की कोई भी चीज या व्यक्ति हमें परेशान नहीं कर सकता। ये हमारे ही अंदर के काम, क्रोध, लोभ है जो हमें परेशान करते हैं। तो बस यही मेन प्रॉब्लम है जिसका सलूशन इस बुक में मिलेगा।